पूरी गाड़ी पलटते हुए आई है, रगड़ते हुए आई है, घसीटते हुए इधर तक आई है, उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। ये तोड़ के पूरा जुदा गया है। एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसको भी ठोका है। 40-50 हजार का माल पूरा सत्यानाश हो गया है। कम से कम 10-12 लोग थे यहाँ पे। एक ट्रक वाला आया और ये दुकान को उड़ाते हुए ले गया और मेरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें हो, स्टीयरिंग का फेल होना हो, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके उपरांत ही कुछ पुष्टि की जा सकती है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी मांझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। और इस समय हम मौजूद है CSP ऑफिस के ठीक सामने और यहाँ पर दोपहर करीब 2:30 बजे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें ITI की 3 लड़कियों को गंभीर चोटें आई हैं। उनको पहले तो सुपेला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनमें से एक को दुर्ग के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जिससे लगता है कि उसे थोड़ी ज़्यादा ही गंभीर चोटें आई हैं। जो मिनी ट्रक जो थी वो अपना नियंत्रण खोते हुए, कुछ लोगों को रौंदते हुए, दुकानों को रौंदते हुए सीधा CSP ऑफिस के दीवार पे आके थम गई। आइए जानते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे क्या हुआ, बता सकते हैं आपको चोट लगी कैसे? यहाँ पर हम लोग बैठे थे अपने अपनी दुकान में, अचानक पीछे से 10-12 गाड़ी को मारते हुए, 2-4 लड़की लोगों को मारते हुए एक ट्रक वाला आया और ये दुकान को उड़ाते हुए ले गया और मेरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ आते समय वो बहुत सारी गाड़ियों को ठोकते हुए आया? बहुत सारी गाड़ियों को ठोकते हुए आया, बहुत सारी लड़की लोगों को ठोक दिया, 3-4 लड़की लोग घायल हुई है, वो गई है अस्पताल, वहाँ से उसको रिफर किया गया ध्रुव, है ना। अभी मैं भी अस्पताल से ही आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी को पीछे से ठोक के उसको पूरा तोड़ दिया गया और ये पूरी दुकान तोड़ दी गई, बगल वाली दुकान तोड़ दी गई, 3-4 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, वो जो थाने में पड़ी गाड़ी। आपको क्या लगता है वो नशे में था कि किस वजह से? अब वो हमें पता नहीं है, कोई बोलता नशे में था, कोई बोलता मिर्गी आ गई। अब मैं तो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, मेरे को मैं पहले से अब हूँ, वैसे पैर में लगा हुआ था, मैं बैठा था किनारे तो पूरा टूटा तो मेरे ऊपर गिर गया, है ना। अंदर मौजूद थे और ट्रक जाके पूरा तोड़ते हुए वहाँ से पाँच छः गाड़ी को तोड़ते हुए 3-4 लड़के को मारते हुए फिर यहाँ से ले जाते मेरी गाड़ी को ले गए और CSP ऑफिस तक के। यहाँ पर ठेला वाला भी तोड़ दिया गया है, है ना, बहुत सारा नुकसान किया है और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर गाड़ी उसको जब्ती की है तो थाने में ले जा खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि इस दुर्घटना में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप अपना नाम बताइए पहले। राधिका पाटले। तो आप बताइए यहाँ पे हुआ क्या था? वो कार यहाँ पे खड़ी हुई थी, हम लोग दुकान के अंदर थे, वहाँ से गाड़ी, वो जो व्हाइट वाली कार है ना, CZ0ZD4039, वो कार पूरे घसीटते हुए, वहाँ भी एक जूते वाली दुकान पे भी एक कार है और यहाँ पे भी एक कार, वो कार पूरा घसीटते हुए दुकान के अंदर, मैंने और वो अंकल जी ने खंभा पकड़ लिया तो इनके पैर में चोट और लगा और दूसरे पैर में भी अभी भी चोट लगा, अभी जो गिरा ना, और वहाँ तक पूरा घसीटते हुए वो CSP ऑफिस में ले जा गए, पूरा ठोका है और हमारी कार को भी पूरा ठोक दिया, 2-4 बाइक भी इधर थी और साइकिल वाइकल सब पूरा ठोकते हुए लगे, 3-4 ITI के जो बच्चे थे ना उनको भी ठोकते हुए और एक प्रेग्नेंट औरत थी उसको भी ठोका है, 2-3 लड़की को दुर्ग में भी रिफर किया अभी, हाँ उसको भी ठोका है, उसको भी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। कम से कम 10-12 लोग थे यहाँ पे, ऐसे पूरा साइकिल देखो ना वहाँ पे जाके पूरा साइकिल पूरा चपाट मारते हुए लेके आया पूरा वहाँ का, सोचो पूरा दुकान का भी, मेरा पूरा दुकान तोड़ते हुए पूरा ठेला आगे तोड़ दिया, पूरा ये कर दिया है। मैं और ये हम बहस कर हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो जैसे टूटा ना ऐसे ये लड़के और मैं ऐसा पकड़ लेते थे पूरा दब जाता, तो पहले ही चोट लगी और चोट लग गई ज़्यादा, मेरे को भी यहाँ पैर में लगी है, वो चाट वाले अंकल है ना इधर, उनको भी छाती में लगा है, मेरे दुकान का भी माल बहुत गायब हो गया है, पूरा तिरछा मारा ना, इनके भी यहाँ पे छाती में चोट लगी है, इधर से आया ये यहाँ का बांस तोड़ा, ये बांस टूटा तोड़ के पूरा जुदा गया है, ठोकते हुए लेके आई है कार, पूरा 3-4 राउंड से ये कार ही हुआ है। अच्छा, वहाँ से गाड़ी खींचते खींचते जा रहा है, ये गाड़ी वहाँ पे थी, हाँ गाड़ी वहाँ पे थी और वहाँ से खींचते हुए वो कार वहाँ पे पूरा घसीटे तो लोग ना क्या है जाम में तो रोड करके इसको साइड में करके लाते वहाँ तक, वो ठेला वो उसका पूरा माल जो हमारा माल था पूरा वहाँ तक फैल गया था, पूरा माल एक मतलब कम से कम नहीं जाता मतलब 40-50 हजार का माल पूरा सत्यानाश हो गया है। तो इस समय आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी असल में थोड़ी दूर 10 मीटर की दूरी पे थी, उस गाड़ी को ट्रक यहाँ तक रगड़ते हुए ले आया, घसीटते हुए ले आया और उस गाड़ी की हालत ऐसी हो चुकी है, 3-4 राउंड जी पूरी गाड़ी पलटते हुए आई है, रगड़ते हुए आई है, घसीटते हुए इधर तक आई है और उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है।
तो कई क्या है गाड़ी में, कई बार वो गाड़ी में ही बैठे रहता है, वो जो मेरा भांजा है ना गाड़ी में बैठा रहता है, वो तो किस्मत अच्छे से लोग घर में था, नहीं तो अगर दुकान में था, अगर वहाँ गाड़ी में बैठे तो कहाँ चल जाता, कोई ठिकाना नहीं रहता है कि नहीं। और वो जो पूरा मलबा गिरा ना तो उसके ऊपर गिरा था वो मलबा पूरा। जो लड़कियों के यहाँ पे लेके गया आप, उनके बारे में क्या हुआ था? एक्चुअल में यहाँ पे हादसा हुआ था, तो फिर मैं जा रहा था यहाँ से, तो फिर एक ई रिक्शा को रुकवा के यहाँ से मैंने उनको हॉस्पिटल लेके गया, सुपेला हॉस्पिटल। तीन लड़कियाँ थी, तीनों को उठा के ई रिक्शा में लेके गए, दूसरे के ई रिक्शा में लाल बहादुर शास्त्री लेके गए। लड़की लोगों को ज़्यादा चोट आई हुई है, लड़की एक लड़की सुपेला में है और दो लड़की है जो दुर्ग रिपेयर कर दिए गए उनको। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो ट्रक एक कार को इतने दूर से 10 मीटर की दूरी से रगड़ते हुए घसीटते हुए आया, लोग कितने दहशत में थे, आइए जानते छावनी CSP हरीश पाटिल का इस पे क्या कहना है। देखिए यहाँ से पावर हाउस वर्क बीच से एक 407 की ट्रक जा रही थी, उसका जो चालक था सडनली अनियंत्रित होकर के अपना नियंत्रण खो बैठ करके सामने कुछ टेंट और फेरी वालों को ठोकर मारते हुए, यहाँ पर कुछ पैदल यात्री थे उनको भी ठोकर मारा वो, उसके बाद जो गाड़ी थी वो भी उसके नियंत्रण में थी नहीं आखिरी समय तक, लास्ट में छावनी CSP कार्यालय का जो गेट है वहाँ पर जा कर के गाड़ी टकराई और उसके बाद वहाँ पर रुकी है। बाद में फिर जैसे यहाँ पर भीड़ हुई थी तो तत्काल, चूँकि ये पुलिस कार्यालय है तो यहाँ पर चौकस व्यवस्था शुरुआत से रहती है, तो फिर लोग आए यहाँ पर, बाहरी लोगों ने भी, पब्लिक ने भी मदद किया और कार्यालय के लोगों ने भी मदद किया, तत्काल चालक को वहाँ से हटाया गया ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, घायलों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया, उसमें घायल में तीन लड़कियाँ हैं जो ITI खुर्सीपार में पढ़ती हैं और एक अन्य आदमी है जो बाहर में फेरी लगाने का काम करता था, उसको भी चोटें आई हैं। फिलहाल उनमें से एक लड़की जो है उसको सीने में दर्द की शिकायत थी तो उसको आगे उपचार के लिए सुपेला अस्पताल से जिला अस्पताल ट्रांसफ़र किया गया है। तो सर ये जो घटना हुई है ये किसकी गलती से हुई, क्या ट्रक ड्राइवर नशे में था, कि उसकी गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आई? भीड़ जो लगी रहती है यहाँ पे, ऑटो रोड पे खड़े रहते हैं, दुकानें जो हैं वो भी रोड पे ही हैं, भीड़ पूरी रोड तक फैली रहती है, तो इसमें गलती किसकी है, किस वजह से हुआ? देखिए जिस समय ये घटना हुई उस समय रोड क्लियर ही था एक तरह से, मतलब यहाँ पर लोग तो पैदल आते जाते रहते ही हैं, क्योंकि पीछे भी मार्केट है, आगे छावनी चौक में भी मार्केट है, तो लोगों का आने जाने का वो हुजूम लगा रहता है। लेकिन इस बीच में लोग क्या है, यातायात नियमों का बाकायदा पालन भी करते हैं, लेफ्ट साइड भी मेंटेन करके चलते हैं, कायदे से उस गाड़ी को जो डिवाइडर है उस छोर से जाना था, किंतु हो सकता है कुछ टेक्निकल चीज़ें हों, स्टेयरिंग का फेल होना हो या फिर ड्राइवर का नशे में होना हो या फिर या किसी प्रकार की उसको बीमारी हो जिसके कारण ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा, इन सभी चीज़ों पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके उपरांत ही कुछ पुष्टि की जा सकती है। फिलहाल ड्राइवर को भी हमने मेडिकल सुपरविज़न में रखा है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर वैसे भी इस रोड में ऐसी बहुत भीड़ रहती है, ऑटो जो रोड पे लगे रहते हैं, दुकानें भी रोड पे ही हैं जैसे आप सब जानते हैं, यहाँ पे लोग भी यहाँ पे पूरी रोड भीड़ में रहती है, स्पेशली शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो ज़्यादातर दुर्घटना वहाँ पे ज़्यादातर शाम को ही होती है, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए शुरुआत में भी, इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और नगर निगम के साथ साथ पुलिस का जो अमला है वो भी यहाँ से ट्रैफिक मैनेजमेंट में, और जैसे नो ट्रैफिक जोन होता है या नो पासिंग जोन है, पहले से कुछ कुछ क्षेत्रों को हम लोगों ने उसको कंसिडर करके घोषित भी किया हुआ है, किंतु बीच बीच में जो गाड़ियाँ जाती हैं उसके चलते कहीं ना कहीं अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। चूँकि ये जो गाड़ी है वो सब सेगमेंट वाली गाड़ी थी, जो मालवाहक गाड़ियाँ होती है, क्योंकि इसमें 10 चक्का से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं वो अभी प्रतिबंधित जोन में है, अभी मतलब कुछ टाइम जोन हम लोगों ने तय किया हुआ है 11 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, तो इस बीच में बड़ी गाड़ियाँ तो आती नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ जो आप कह सकते हैं जो एपे की गाड़ियाँ होती है या फिर जो पिकअप गाड़ियाँ होती है, तो छोटे मोटे सामान लेकर के आती जाती रहती हैं। हालांकि ये इस प्रकार की घटना यहाँ पर पहली बार हुई है, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ चौकस रूप से चलती रहती है, किंतु अभी प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है कि इसमें ड्राइवर की गलती थी, उसको अपना जो साइड है वो मेंटेन करते हुए चलना था, उसके पास पर्याप्त जगह भी था और लोग भी अपना साइड मेंटेन करते हुए चल रहे थे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबाएं।
खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।